बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। बेस्ट गेम फिनिशर के नाम से जाने जाने वाले माही आज 35 साल के हो गए हैं। सोशल मीडिया पर धोनी को बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। फैंस ने अपने कैप्टन कूल का अलग अंदाज में बर्थडे मनाने के लिए ट्विटर पर एक इफेक्ट धोनी के ट्विटर हैंडल पर लगाया है। आप जब भी कैप्टन कूल के ट्विटर अकाउंट पर जाएंगे तो उनके अकाउंट पर आपको रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते नजर आएंगे। माही की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्विटर पर उनके 54,91,761 फॉलोअर्स हैं और उनकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाई गई है जो इसी साल सितंबर 30 को रिलीज होगी। भारतीय रेल में टीटी के तौर पर काम कर चुके धोनी अपने करियर की शुरुआती दौर में फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे। क्रिकेट से उनका कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन भाग्य के उलटफेर ने उन्हें क्रिकेट में ला दिया। जिला स्तर पर फुटबॉल खेलते हुए धोनी को उनके फुटबॉल कोच ने क्रिकेट की सलाह दी। यह सलाह धोनी के लिए इतनी फायदेमंद साबित हुई कि आज वह भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कामयाब कप्तान बन चुके हैं। शुरू में वह अपने क्रिकेट से ज्यादा अपने विकेट कीपिंग के लिए सराहे जाते थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने बल्ले से भी तूफान लाना शुरू कर दिया और एक विस्फोटक दाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में उभर कर सामने आए। बिहार अंडर 19 से धोनी ने क्रिकेट में एंट्री ली। 1998 से 1999 के दौरान कूच बिहार ट्रॉफी से धोनी के हुनर को पहली बार पहचान मिली। इस टूर्नामेंट में धोनी ने 9 मैचों में 488 रन बनाए और 7 स्टंपिंग भी की। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें पहली बार रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। रणजी में खेलते हुए धोनी को भारतीय ए टीम में चुना गया। इसके बाद 2004 में धोनी को पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली। हालांकि अपने पहले मैच में धोनी अपना जादू नहीं दिखा पाए, लेकिन 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए लंबे बालों वाले धोनी ने 123 गेंदों पर 148 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली कि सभी इस खिलाड़ी के मुरीद बन गए। यहां तक कि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने जीत की बधाइयां देते हुए माही को सलाह दिया कि भले ही आपके फैन आपको हेयर कट लेने की सलाह दे रहे हों, लेकिन मेरी माने तो ये हेयर स्टाइल आपको काफी सूट करता है। If you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. 2011 में श्रीलंका से विश्व कप जीतने के बाद वादे के मुताबिक धोनी ने अपना सर मुंडवा लिया। धोनी का ये हेयर स्टाइल धोनी हेयर कट से पॉपुलर हुआ। वैसे क्रिकेट के साथ धोनी निजी जिंदगी में भी काफी संतुलित रहे हैं। साल 2010 में धोनी ने अपने बचपन की दोस्त साक्षी से शादी कर ली। हमेशा विज्ञापनों में छाए रहने वाले धोनी अपनी निजी जिंदगी में बेहद शर्मीले हैं और उनकी लव लाइफ बेहद सुलझी हुई है। 6 फरवरी 2015 के बाद पिता बनने के साथ ही माही की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई। धोनी जितने महान और पॉपुलर क्रिकेटर हैं, उतने ही अच्छे पति और पिता हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान से नवाजे जा चुके धोनी अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को 2 क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले पहले कप्तान हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।